अस्सलामुअलैकुम रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको अगेन वेलकम करती हूँ। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही उम्दा किस्म का नुस्खा एकार बताने वाली हूँ, और ये नुस्खा कोई आम नुस्खा नहीं है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा नुस्खा आपको पहले कभी किसी के चैनल ने नहीं दिया होगा। तो ये जो नुस्खा है, ये सफ़ेद बालों का इलाज है, तोड़ है। देखिए आजकल जो है यंग जनरेशन के बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो आप उसे मामूली ना समझे, इग्नोर ना करें, और ये बात आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए। एक दो बाल अगर सफ़ेद आपके निकल आए तो ये आप ऐसा ज़रूर हरगिज़ ना देखिए करें। एक अगर आपका बाल निकल गया तो उसके साथ साथ आपके 7-8 बाल जो हैं वो और निकलना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे 2 आपने निकाले तो 14 बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे, और ऐसे ही निकलते जाएंगे और आपके सफ़ेद बालों की तादाद में इजाफा होता रहेगा। लेकिन अब आपको परेशान होने की, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना हो जाना, और ये क्यों होता है और इसका हल क्या है, वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ये जो है हार्मोन्स की कमी होती है आपकी बॉडी में, जो कि आपको आप सब फ्रूट नहीं खाते, तो इसलिए जो है आपके बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आप चिकनी चीज़ें खाते हैं, बाज़ार की तली हुई और खाना खाते हैं, जिससे जो है आपके बॉडी में हार्मोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिससे जो है आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद बालों का मैं हल लाई हूँ, नुस्खा लाई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि यह नुस्खा आपको बाकी नुस्खों की तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आलू। जी हाँ दोस्तों, आप हर घर में ये चीज़ दस्तयाब होती है, हर किचन में दस्तयाब होती है, और हर घर की ज़रूरत होती है आलू। आप आलू को मामूली बिल्कुल ना समझें, क्योंकि आलू ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जो बड़े बड़े नुस्खे नहीं कर सकते। सफ़ेद बालों का हल है ये आलू। तो आलू को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। आलू के पानी से देखिए आपके बाल सफ़ेद जो हैं वो काले स्याह हो जाएंगे। वो किस तरह हो जाएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आलू को आपने 2-3 आलू लेने हैं। अगर एक मरतबा आपने ये अमल करना है तो 2-3 आलू एक मरतबा के अमल के लिए काफ़ी है। तो 2-3 आलू आपने लेने हैं, उसको आपने अच्छी तरह से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जो है आलू का जो पानी होगा, आपने ये जो है बिल्कुल सुनना है, आपको ये बहस बात जो है जहन नशीन कर लेनी चाहिए। आलू का गाढ़ा सा जब पानी बन जाए, आलू गल जाए, तो आलू बिल्कुल आपने निकाल लेने हैं। आलू को अगर आप कमज़ोर हैं तो वो खा भी सकते हैं, अगर नहीं है तो भी किसी भी हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके आलू ज़ाया नहीं होंगे। और जो आलू का पानी होगा उससे जो है गाढ़ा सा आलू का पानी होगा, उसमें आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है, दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आपने अच्छी तरह से ऐड करना है उस पानी में, और वो गाढ़ा सा पानी जो बचेगा वो जो है आपने अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगा लेना है। बालों की जड़ों को लगाते आपने पूरे बाल जो है वो सर से लेकर बिल्कुल बालों के किनारों तक जो है आपने पूरे बाल कवर कर लेने हैं अच्छी तरह से, जैसे कि आप तेल की मालिश करते हैं पूरे सर पर। इसी तरह से आपने आलू के पानी की मदद से जो है पूरे बालों पर अच्छी तरह से मसाज करनी है, और 20 मिनट लगा रहने देना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपको जो है 15 दिनों के अंदर अंदर आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो इंशाल्लाह ताला काले ना हों, तो आप मुझे गारंटी के साथ आपने मुझसे शिकायत करनी है, क्योंकि ये ज़बरदस्त नुस्खा है, आजमूदा नुस्खा है। ये ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह ताला आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो चंद ही दिनों में काले होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको किसी भी हेयर कलर, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये आसान और घरेलू नुस्खे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद करामद होती हैं। तो आप इसे ट्राई करके देखिए, सफ़ेद बाल जो हैं आपके 15 दिनों के अंदर अंदर काले हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का नुस्खा, इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा अपने ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़।